वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू छोटे कुटिया, सारा प्यार बड़े को पैरी पाना जी। गाइज, आपको मेरी उजड़ी पुजड़ी हालत देख के लग ही रहा होगा कि अभी काम वाम करके हटी है और जा रही है। एक्चुअली आज आरब का स्कूल स्टार्ट हो गया है, तो मैं जा रही हूँ आरबी को स्कूल लेने, और उसके रजिस्टर्स और नोटबुक्स स्कूल से लेने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि स्कूल में बाहर के अलाउड नहीं है, और इस बार कॉपियों पे कवर भी नहीं चढ़ाना। वेरी स्मार्ट पीपल दे आर, राइट? तो इसीलिए अब रजिस्टर्स और नोटबुक्स बाहर से लेनी पड़ेंगी। बाकी सारी CBSE की NCERT चलनी है, वो मैं यहाँ से बाहर से ले लूँगी क्योंकि स्कूल में अवेलेबल नहीं है। और बाकी पंजाबी डिविनिटी की वो देखते हैं अभी मिलती है कि नहीं मिलती, तो चली जाते हैं आरब को लेने। और धूप ऑसम है, ऑसम वाली धूप, इतनी गर्मी हो गई ना, जाना पड़ेगा। तो मैं पूरा सर लपेटूंगी, हाथ लपेटूंगी, पैर लपेटूंगी, और फिर मैं निकलती हूँ। ये देखिए गाइस, ये देखिए, मैंने पूरी चुन्नी लपेट ली, ग्लव्स पहन लिए और सॉक्स भी पहन लिया, और अब मैं जा रही हूँ आरबी को लेने, और देखते हैं उसके रजिस्टर्स मिलते हैं आज भी या नहीं। गाइस, मैं आरफ को स्कूल से ले आई हूँ और बहुत गर्मी थी, फाइनली आज जो रजिस्टर्स हैं वो मिल गए सारे, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये सारे रजिस्टर्स और नोटबुक्स मिले हैं जो स्कूल में इसके चलेंगे। बस एक साइंस प्रैक्टिकल का हम मैनुअल लेना पड़ेगा बाहर से, स्पाइरल बाइंडिंग वाला, वो इसमें नहीं है। तो यही सारी नोटबुक्स और कॉपीज इसकी चलेंगी, तो एक काम तो निपट गया। और यूनिफॉर्म हम ले आए थे, अब ये सारा नाम लेबल करके आज हम सेटअप करेंगे। और ये बैठा है ब्रूनो, अब है इसको खाना खिलाने का टाइम। गाइस, मैं जा रही हूँ बाजार, और मुझे लाना है आरफ के लिए नोटबुक्स पे चढ़ाने के लिए कवर और सेलोफेन शीट, और कुछ बुक्स ऐसी हैं इनके NCERT की जो यहाँ से इजीली मिल जाएंगी, पंजाबी की भी NCERT लगती है, मुझे पता नहीं है। और मैसेज आ गया, मैं आपको 10 मिनट में भेजती हूँ। ओके, चलो, बुक्स की इमेजेस अभी आ रही है मेरे पास 10 मिनट में। तो मैं जाती हूँ आरफ का सामान लेने, और आके भी सारी बुक्स को, नोटबुक्स को कवर चढ़ाना है, सेलोफेन शीट चढ़ानी है, नेम स्लिप लगानी है ताकि कल का काम निपटे। और बैचेस मेरे 11 से शुरू होंगे क्योंकि बच्चों के स्कूल अभी कुछ बच्चों के खुले नहीं हैं और बुक्स उनको अवेलेबल नहीं हुई है, तो 4 से पॉसिबल नहीं हुआ, तो ये अब हम एक्सटेंड कर रहे हैं। नेक्स्ट थर्सडे हम 11 तारीख से अपने बैचेस स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फटाफट जाकर फटाफट आते हैं। 1.5 घंटे बाद मैं घर पहुंची हूँ, आरफ का जिम का टाइम भी हो गया था, और लड़ रहा मुझसे आप इतनी लेट क्यों आए भैया, वहाँ पे जाम इतना, मैं लिटरली सोच रही थी कि वहाँ जाके मैं ब्लॉग बनाऊंगी, लेकिन वहाँ मेरे खड़े रहने के लिए जगह नहीं थी। सेकेंड हैंड वाली शॉप से बुक्स मिली नहीं, सेकेंड हैंड अवेलेबल ही नहीं है, आउट ऑफ द स्टॉक, और नई बुक्स भी अभी अवेलेबल नहीं हुई। मैं लाई क्या हूँ, मैं आपको ये दिखाती हूँ 1.5 घंटा धक्के खाने के बाद। ये देखिए गाइस, एक फेविक्विक, ये शीट लगाने के लिए रजिस्टर्स पे, और ये रजिस्टर के ऊपर लगाने के लिए नेम स्लिप, और ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कलर शीट्स। बस ये सामान मुझे मिला अभी, और कुछ नहीं मिला अभी। बाकी सब बुक्स कल पता करनी पड़ेंगी, वो भी दिन में जाकर, शाम को तो उन्होंने बोला बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं, आप आओ ही मत। ये देखिए, बड़ी भयंकर भूख लग गई थी मुझे, और अभी खाना बना नहीं है, तो मैंने फटाफट पोहा ही बना लिया खाने के लिए। बाकी अभी आलू की सब्ज़ी और कड़ी पड़ी हुई है, तो मैं ये खा के फिर देखती हूँ कि क्या बनाना है। और तो पहले पेट पूजा कर ले, टाइम बज रहा है 10। गाइस, पोहा खाने के बाद अपना पेट भर लिया, और अब बारी है पालक पनीर बनाने की। पालक कटवा के रखी हुई है, कल मेरे हस्बैंड गए थे बाजार, वो ले आए, तो बस अब पालक काट के उबाल के तड़का लगाते हैं, पनीर डाल देंगे, बन गया पालक पनीर। आरफ की भी टेंशन खत्म और सबकी टेंशन खत्म, मैंने तो खाना नहीं है, तो चलिए पालक धोते हैं फटाफट। गाइस, पालक बहुत ज़्यादा नहीं है, 1/2 किलो ही है, तो ये सफिशियंट होगी एक टाइम के लिए, 2-2 टाइम नहीं खाई जाती, तो इसको मैं अच्छे से धो के पहले उबाल लेती हूँ। हो गया, और आरफ की सारी कॉपीज पर हमने कलरफुल जो कवर था वो चढ़ा दिया, सेलोफेन शीट चढ़ा दी, और इसकी क्लास के लिए एक 9th B class का लोगो बनाना था, मैं आपको दिखाती हूँ जो बन चुका है। ये देखिए, फिर करते हैं ब्लॉग को एंड। गाइस, ये देखिए, ये लोगो मैंने अभी बना कर दिया है इसको 9th B का, और ये आई थिंक अच्छा लग रहा है, जल्दी जल्दी मैं बनाया बट बन गया, बॉर्डर से अच्छा लग रहा है, तो ये कल इसने लेके जाना है। और इसके जो सारी नोटबुक्स थी उनमें देखिए कवर चढ़ा कर, ओह एक मिनट, हाँ कवर चढ़ा दिए गए हैं, और ऐसे सेलोफेन शीट चढ़ा के नाम लिख दिया गया है। तो ये हमारा काम हो गया सुबह इनको स्कूल ले जाने के लिए, राइट? अब सोने का टाइम, और आपको मेरी बकरी पीछे दिख रही है ना, ये आ गया इधर, तो मैं अभी करती हूँ ब्लॉग को एंड, मिलूंगी आपसे सुबह सुबह कुछ 7:15 बजे, चाय पीते हुए, पक्का चाय पीऊंगी सुबह खाली पेट। तो हमें बहुत सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, और बने रहिए हमारे साथ। ब्रूनो की सारी हरकतें कैमरे में कैप्चर हो रही है, वाह वाह, भागी भागी बकरी भागी, ब्रूनो 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 ब्रूनो, ये देख रहे हो आप उसको, ये 12:30 बजे कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, 12:30 बजे इसकी ये मस्तियां चल रही है, भागा दौड़ी, ये देखो, ओए होए, मैं कैमरा रोके नीचे उतर, बस बस तू कैमरे में आ गए बंदर बकरी, वो देखो देखो जरा देखो इसकी मस्तियां, गाइस ये एक्चुअली पागल हो गए, बस सांस चढ़ गया, देख देख, बस बस गुड नाइट बोल दो, हाय हाय नहीं, बस गुड नाइट, गुड नाइट।